मध्य प्रदेश के सभी सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 5 जनवरी से धरने पर बैठे हैं। इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी सहकारी समितियां काम नहीं कर रही है। राशन दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। खंडवा में भी पहले ही दिन POS मशीन की शव यात्रा निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। शव यात्रा का समापन कलेक्टर कार्यालय में किया, यहीं पर तभी से धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलन 1 से 3 फरवरी तक समस्त जिलों से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना और कलमबंद आंदोलन जिला स्तर पर किया गया। 18 फरवरी को प्रदेश के समस्त 5,500 कर्मचारियों द्वारा राजधानी भोपाल जाकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा। आंदोलन के दौरान 4,525 सहकारी समितियों और उचित मूल्य की दुकानें बंद रहेगी। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। समिति कर्मचारियों का केदरमान वेतनमान और नियमितीकरण जी, इसके अंतर्गत में कई वर्षों से हमारी लंबित मांग चल रही है, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और इसके साथ में है PDS से संबंधित एक मांग, उसमें क्या हुआ है कि विगत कोरोना काल में अभी जो उन्होंने आवंटन जारी कर दिया था और वो आवंटन उन्होंने ऑफलाइन वितरण करवा दिया था, तो ऑफलाइन वितरण होने की वजह से वो उचित मूल्य दुकानों को उसमें अभी भी दिख रहा है। उसने की वजह से वो शासन ने वो उतने स्टॉक कटौती करके दुकानों को भेज दिया है, इस वजह से आवंटन जारी नहीं हो रहा है। क्या एक दूसरी मांग है, तीसरी ये है कि अभी शासन प्रशासन से अन्य समर्थन मूल्य खरीदी का करोड़ों रुपया शासन से कमीशन के रूप में PDS के कमीशन के रूप में भी लेना है, ये भी अभी तक दिया नहीं है। इस संबंध में हमारी मांग प्रदेश स्तर पर पूरे 52 जिलों में करीबन आप लोगों की ये जो हड़ताल है इतनी लंबी चल रही है, इससे आमजन को क्या परेशानी हो रही है? आमजन में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत में राशन वितरण होता है हमारे माध्यम से जी, उसके साथ में समितियों में पंजीकरण हो रहा है अभी समर्थन मूल्य खरीदी का, वो रुका है। खाद वितरण रुका हुआ है, KCC ऋण वितरण करते हैं मत्स्य पालन के, पशुपालन के लिए, अन्य योजनाओं जितनी भी शासन की है उसमें हमारे द्वारा शासन को पूर्ण सहयोग देते हुए उनकी जो आदेश आते आदेश निर्देश उनका पूरा पालन किया जाता है। वो सभी योजना ठप है स्टेम में और सभी 154 समितियाँ दोनों जिले की और करीबन 1100 कर्मचारी पूरे हड़ताल पर हैं। और जब तक ये मांग हड़ताल हमारी अनिश्चित है, जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होगी, जब तक ये हमारी मांग मतलब मांग के संबंध में हम आंदोलन करते रहेंगे। राशन दुकान और ये समर्थन मूल्य के अलावा कौन कौन से काम प्रभावित हो रहे हैं सर? इसके साथ में खाद वितरण हो रहा है, KCC ऋण वितरण हो रहा है और अन्य ऋण वसूल हो रहा है। बचत बैंक के माध्यम से भी हमारे यहाँ समितियों में हमारा संग्रहण का काम है वो भी रुका हुआ है। और इसके साथ में अन्य जो भी शासन की योजना है, जैसे अभी समर्थन मूल्य के पंजीयन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें अभी तक पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं और हमारे ऑपरेटर लोग यहीं बैठे हुए आंदोलन पे, वो भी उनका उनकी वजह से मतलब हमने उनको पंजीयन कार्य भी रोक दिया है जो मुख्य है स्टेम में समर्थन मूल्य खरीदी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।